नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में बुलाई गई योगी कैबिनेट की बैठक, प्रदेश के औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों पर हुई चर्चा। सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर हुआ मंथन। लोकसभा सदस्य दिनेश लाल यादव निरहुआ लखनऊ दौरे पर, सीएम योगी से की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल से भी की भेंट। यूपी के लखीमपुर खीरी में आदमखोर भाग का आतंक, एक महिला समेत दो लोगों को बनाने वाला, कड़ी मशक्कत के बाद किया भाग को रेस्क्यू। बदायूं के दवारी गांव में बुजुर्ग दंपति की हत्या का खुलासा, रुपए ना देने की बात से नाराज नाती ने उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में सदर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भूमाफिया और गैंगस्टर एजाज अहमद के खिलाफ एक्शन, करीब 10 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। अब खबरें विस्तार से। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक कालिदास मार्ग में उनके आवास पर बुलाई गई। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में चर्चा के लिए सभी कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक के बाद सभी विभागों के मंत्रियों के साथ सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर भी मंथन हुआ। यूपी में लोकसभा उपचुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। इधर मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें सभी निर्णयों की जानकारी दी गई। लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में सेंध लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भोजपुरी गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ लखनऊ पहुंचे, जहां आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य निर्वाचित दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दिनेश लाल यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री योगी से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। इसी के साथ ही उन्होंने लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा महामंत्री संगठन सुनील बंसल से भी भेंट की। लोकसभा उपचुनाव में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को हराया था। बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गड्डू जमाली यहां पर तीसरे स्थान पर थे। आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई थी। इधर लखनऊ में बीजेपी पार्टी दफ्तर पहुंचे सांसद निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ एवन टीवी संवाददाता ने की खास बातचीत। और प्रबलता बढ़ती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में आम्रपाली दुबे पहुंचे हैं। भोजपुरी फिल्म स्टारों की बहुत अच्छी बात है, बहुत सक्रिय नेता हैं हमारे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और अब दिनेश जी भी, तो वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। एक आर्टिस्ट जो होता है बहुत कर्मठ होता है, एक कलाकार बहुत कर्मठ होता है, वो साधना की वजह से कलाकार बना होता है, तो इनका कर्मठ नेचर इनको अच्छा नेता भी बनाया है सभी लोगों को, और यही चीज़ की वजह से उनको बार बार भरोसा दिया जाता है। हाँ, जैसे कि बात की जाकर भोजपुरी फिल्म स्टारों, चाहे निरहुआ हो, रवि किशन हो, इन लोगों ने भोजपुरी को एक अलग आयाम दिया है बॉलीवुड का, और अब राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रियता देखने को मिल रही है। राजनीति और बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के मन में सेवा भाव होता है बहुत ज़्यादा, तो वो सेवा करने के लिए आए हैं जनता के। एवन टीवी के जो दर्शक हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? चाहे राजनीति हो या फिल्मी दुनिया, लगातार जो भोजपुरी कलाकार हैं उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है, और न केवल सक्रियता बढ़ रही है बल्कि इसकी लोकप्रियता को लोग सराह भी रहे हैं। कैमरा पर्सन सनोज के साथ मैं एन के तिवारी, एवन टीवी लखनऊ।
बड़े भैया आ चुके हैं मनोज तिवारी जी, पहले ही वहाँ भैया थोड़ा पीछे जो हमारे बड़े भैया रवि किशन जी है। एक सवाल लेंगे सिर्फ, एक तीसरे भाई सब कहने लगा पूरे भोजपुरी समाज ने, भोजपुरी परिवार ने, भोजपुरी इंडस्ट्री ने और यहाँ तक कि पूरे आजमगढ़ ने और पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता है सबने अपना चुनाव समझ के लड़ा और लड़ करके और ये ऐतिहासिक जीत है। बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि देखिए अब पहले आर्यमगढ़ ही था, अब कोई आया हमारे घर से हमारा नेम प्लेट हटा के अपना नेम प्लेट लगा दिया, तो जब मैं आऊँगा अपने घर पे तो अपना तो नेम प्लेट लगाऊंगा, तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और ये तुरंत होगा, तत्काल होगा, क्योंकि पहले आर्यमगढ़ ही आर्यमगढ़ की जो संस्कृति जो पहचान है उसको कुछ भी महाराज जी वापस इसके बाद आजमगढ़ में रह के काम करूंगा, क्योंकि जब कोई प्रतिनिधि अपने लोगों के बीच में रहता है, जनता के बीच में रहता है, तो उनकी बात सुनता है, देखता है, वही काम करता है। जो व्यक्ति जीतने के बाद लोगों के पास ना रहे, उनके बीच में ना रहे, मुझे लगता है वो काम नहीं कर पाएगा जैसा अखिलेश यादव जी के साथ हुआ और इसीलिए उनका घर समाप्त। जो फिल्मी दुनिया के बाद अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ और देश की राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, यकीनन तौर पर भोजपुरी दुनिया को न केवल लोग सराह रहे हैं बल्कि उसकी लोकप्रियता को भी लोग कहीं ना कहीं पसंद करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सनों के साथ मैं इनके यूपी के रामपुर में यतीम खाना प्रकरण को लेकर सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान कोर्ट में तलब किया गया है। साल 2019 में सपा नेता आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20 से 25 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खान के इशारे पर यतीम खाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट और लूटपाट की गई। वहीं इस मामले में रामपुर कोर्ट में आजम खान को तलब किया गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से है, जहां दो लोगों की मौत के घाट उतारने वाले आदमखोर बाघ को पकड़ने में वन विभाग की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अब उत्तर निगासन रेंज के मंजरा पूरब बीट में आदमखोर बाघ के आतंक से लोगों को राहत मिल गई है। आपको बताते चलें कि पिछले 24 घंटे में बाघ ने एक महिला समेत दो लोगों को अपना शिकार बना लिया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। दरअसल नरेंद्र नगर निवासी नरेंद्र सिंह घाघरा नदी के पास खेत में चारा लेने गया था, जहां बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिसका शत विशत हालत में शव गन्ने के खेत में बरामद हुआ। वहीं दूसरी ओर खैरटिया निवासी मिंदो कौर पर खेत में धान की रोपाई करते समय बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर वन अधिकारी और तिकुनिया कोतवाली पुलिस पहुंची, जहां आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित दावरी गांव में रुपए ना देने की बात से नाराज नाती ने बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। बदायूं एएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने 22 जून को बुजुर्ग दादी की गला घोटकर और दादा प्रेमशंकर की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामले की गहनता से जांच कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बदायूं में थाना फैजगंज बेटा में 25 जून को दो डेड बॉडी मिली थी और डबल मर्डर का केस लिखा गया था। इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो फैजगंज बेटा की टीम ने सर्किल बिसौली के नेतृत्व में पतारसी सुराग रसी करके इसका अनावरण किया और पाया गया कि पोते ने ही अपने पैसे के लिए अपने दादा दादी की हत्या कर दी थी। रात्रि में 3 बजे पहले दादी को उसकी साड़ी से स्ट्रेंगुलेट किया और उसके आधे घंटे बाद ईंट से अपने दादा की हत्या कर दी। इस दोनों मर्डर केस जो हुए इनका बहुत ही जल्दी खुलासा हुआ, इसलिए इस टीम को इस खुलासे के लिए उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से 10,000 रुपये
कैश प्रदर्शक दिए गए। अब खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां निचोल तहसील क्षेत्र के डिघी गांव में आकर्षीय बिजली गिरने से एक 15 वर्षीय बच्ची समेत दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं दो लोग घायल हो गए, जिनका इलाज निचलौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी के अनुसार महाराजगंज जनपद में अचानक मौसम बदलते ही गरज के साथ तेज बारिश होने लगी, जिससे डिघी गांव में आकाशीय बिजली का कहर टूट पड़ा। आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि रोहतार गांव के दो लोग आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए हैं। इधर दोनों परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत मुहैया करवाने का कार्य जारी है। आज जनपद महाराजगंज की तहसील निचलौल के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में दिघही गांव में दो व्यक्तियों की आकाशीय विद्युत गिरने से मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसमें एक 14 साल की बच्ची है खुशी सिंह और 44 साल के व्यक्ति हैं रामप्रीत। इनको शासन द्वारा जो निर्धारित है दैवीय आपदा का 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति, उसको आज ही दिलाया जा रहा है, इनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मौके पर परिवार को सांत्वना देने के लिए और संवेदनशीलता व्यक्त करने के लिए तहसीलदार को भेजा गया है। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से है, जहां ज्योतिपुर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें, पुलिस ने करोड़ रुपए के अफीम के साथ अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,25,00,000 रुपए कीमत की 1 किल 250 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की। पुलिस के मुताबिक बदायूं में अफीम की खेती करने वाले किसानों से अफीम खरीदकर तस्कर आसपास के जिलों में सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट चुकी है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर निरंतर चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना जैतीपुर को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। उसके द्वारा एक मादक पदार्थ का तस्कर, जिसका नाम वीरेंद्र कुमार है, ये उत्तर थाना दातागंज जनपद बदायूं का रहने वाला है, मुखबिर की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1,25,000,000 रुपए है। इससे पूछताछ पे बहुत सारे तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिस पर कार्रवाई चल रही है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना जैतीपुर में जिलाधिकारी के निर्देशन में अवैध तरीके से कमाई गई काली संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बताते चलें कि भूमाफिया और गैंगस्टर एजाज अहमद उर्फ बक्सर के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 10 करोड़ की 24 प्रॉपर्टियों को कुर्क किया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी नंदलाल मौर्या, तहसीलदार विकास पांडे, सीओ दिनेश चंद्र मिश्रा सहित राजस्व विभाग के अधिकारी वहां मौजूद रहे। जनपद फतेहपुर में भू माफिया शेख एजाज अहमद सिद्दीकी उर्फ बॉक्सर की जिलाधिकारी फतेहपुर के आदेशानुसार यह गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम रहा है और 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी करीब 24 प्रॉपर्टी पे आज कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिसकी कीमत 4,93,15,000 है। बाजारू कीमत इसकी लगभग 10 करोड़ के आसपास है। शेष सभी इसकी प्रॉपर्टी और हैं, जिस पर कार्रवाई अभी कल की जाएगी, कुर्की जाएगी, और यह प्रक्रिया अन्य भूमाफियाओं और अन्य माफियाओं के विरुद्ध अनवरत जारी रहेगी। जनपद फतेहपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बदायूं की दातागंज कोतवाली पुलिस ने ट्रक में 500 बोरी चीनी लेकर फरार हुए ड्राइवर सहित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, साथ ही पुलिस ने 500 बोरी चीनी भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक सर्विलांस की मदद से ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया है, उसकी निशानदेही पर 7 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। वहीं एएसपी ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक को उसके माल के साथ कुछ लोगों ने गायब कर दिया है। इसमें ओनर की सूचना पे दातागंज में अभियुक्त पंजीकृत किया गया और 12 घंटे के भीतर ही इस अपराध का खुलासा किया गया और इसके जो अभियुक्त थे 6 अभियुक्त इनकी गिरफ्तारी हुई है और संपूर्ण माल जो ट्रक का था, 500 कट्टे चीनी इसमें लदे थे, उसको इन लोगों ने गायब कर दिया था। उसकी रिकवरी हुई है, ट्रक की रिकवरी हुई है और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके दातागंज और हमारी एसओजी की टीम ने एसवीआरए के नेतृत्व में इसमें
इसका खुलासा किया है। इस टीम को भी उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चलती टाटा मैजिक में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ऐसे में मैजिक चालक किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, जबकि मैजिक आग में जलकर राख हो गया। वहीं रास्ते से गुजर रहे हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। घटना रामस्नेही घाट इलाके में पुराने हाईवे पर पावर हाउस के पास की बताई जा रही है। आपको बता दें कि कथा सुनकर घर वापस लौटते समय चालक सानू बाबा की मैजिक में अचानक भीषण आग लग गई। खबर कानपुर देहात से है, जहां एक पत्रकार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। एक पत्रकार को खबर कवरेज करना इस कदर महंगा पड़ गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक ने कर्मचारियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी और मोबाइल भी छीन लिया गया, जिसकी शिकायत घायल पत्रकार ने पुलिस से की। वहीं घायल पत्रकार को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां हालात बिगड़ते देख उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। आपको बताते चले कि पत्रकार रसूलाबाद विकासखंड समाचार संकलन के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में यस जी हेल्थ केयर सेंटर पर पिस्टल लगाए एक व्यक्ति का अस्पताल के कर्मचारियों से विवाद होते देख पत्रकार ने वीडियो बनाया और जरूरी जानकारी हासिल करने मौके पर पहुंचा, तो पिस्टल लगाए हुए व्यक्ति ने हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं न होने और कर्मचारियों की अभद्रता की जानकारी दी। इसे देख हॉस्पिटल के कर्मचारी आग बबूला हो गए और पत्रकार के हाथों से मोबाइल छीन मारपीट करने लगे। किसी तरह से पत्रकार ने भाग कर अपनी जान बचाई और थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में सीओ शिव ठाकुर ने कहा कि हॉस्पिटल संचालक की ओर से शिकायत मिलने पर मामला दर्ज होगा। रसूलाबाद तहसील में दैनिक भास्कर डिजिटल की रिपोर्टिंग के लिए काम करता हूं। समाचार संकलन के लिए तकेले ही थे और रसूलाबाद विकासखंड जा रहे थे, तो वहां जैसे पहुंचे तो हम रसूलाबाद तिराहा क्रॉस किया तो एक SSGL हेल्थ सेंटर पड़ता है, तो हम उसे नाम हमको नहीं देख पाए थे, तो वहाँ पर बाहर कुछ यानी कि भीड़ भाड़ लगी हुई थी और मरीज आपस में बहस बहस कर रहे थे, कर्मचारी भी भीड़ रहे थे, तो हम वहाँ पर वीडियो बनाने लगे। दूर से एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद जो बहस कर रहे थे उससे पूछने गए कि भाई आपके आखिर में कौन का वो पिस्टल खींचे थे, तो हमें लगा कि हो सकता है कोई मामला गंभीर है क्योंकि पिस्टल खरीद लगाए हुए है, और जाते सोचे गाली देते हुए बोली कहने कौन क्या नाम तुम्हारा, तो हमने कहा विशाल सिंह गौतम, तो बोले कहाँ रहते हमने मनाओ में, तो बोले कहा चमार साले यहाँ वीडियो बनाने आया, क्या आप सरकार किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं पड़ी वीडियो बनाने, तुम कैसे वीडियो बनाने आ गए। इतनी बात कहते हो कर्मचारियों से उन्होंने मरवाया पिटवाया, हमारे जेब में 620 रुपये तो वो भी छीन लिए, मोबाइल हमारा छीन लिया और बोले कहा दोबारा कहने यहाँ दिखाई। इसके बाद फिर वहाँ से किसी तरीके से जान बचा भागे वो लोग कर्मचारी लोग, फिर भी मारने दौड़ने तो गाड़ी आड़ी में किसी माध्यम से निकलवाई वहाँ पे आए तो तहरीर लिखवाई 112 पुलिस फोन दी। यूपी के बुलंदशहर में बंदियों के स्वास्थ्य को लेकर जिला जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने कारागर में चिकित्सा शिविर लगवाया और बंदियों के स्वास्थ्य की जांच भी कराई। इस दौरान जरूरतमंद बंदियों की उपचार दिया गया। बता दें कि बुलंदशहर की जिला जेल में बंदियों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए ये विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजित किया गया। आपको बता दें शिविर में जनरल फिजिशियन डॉक्टर किंजल राय, डॉक्टर अनिल सिंह समेत अनेक चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। आज जिला कारागार में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नाक कान गला हड्डी आँख जनरल फिजिशियन दांत और अन्य बीमारियों के विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें सभी बंदियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें कुल मिलाकर के महिला और पुरुष 1200 बंदी लाभान्वित हुए। ऐसे शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा कारागार के ही अंदर उपलब्ध कराना है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।